नमस्कार दोस्तों, लाइफ सेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपना CSC के तरफ से नोटिफिकेशन आए वाले के बारे में, और आपको डिजी मेल मिला है तो क्या आपको पासपोर्ट मिलेगा और कब तक मिलेगा, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे वो लाल डब्बा दिख रहा है, जस्ट आप उसको क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं हमारे मेल में। तो जा रहे हम मेल में। देखिए दोस्तों, मैं मेल में आया। CSC 2.0 नोटिफिकेशन फॉर VLE पोर्टल रेडिडेंस डियर VLE। तो दोस्तों, ये बता रहा है आपको, ये सूचना बता रहा है, ये सूचना है आपके लिए कि डिजिटल सेवा नए पोर्टल की कनेक्ट कर रहे हैं, और जल्दी आपको उसका विवरण पता होगा, उसके बारे में जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं। और सभी व्यूअली इस नए पोर्टल में जाएंगे, इस पर अभी काम चल रहा है, और इसमें सभी सेवा, पुराने पोर्टल की सभी सेवाएं इस नए पोर्टल में लाई जा रही है। तो दोस्तों, अभी तक तो पुराना पोर्टल चल रहा है, जिसकी पुराने पोर्टल की OMT ID और पासपोर्ट ब्लॉक हुआ है, उनको नया पासपोर्ट मिलेगा। जब तक नया पासपोर्ट मिलता नहीं, तब तक पुराने पोर्टल की OMT ID और पासपोर्ट ब्लॉक होगा नहीं। तो दोस्तों, नया OMT ID और पासपोर्ट लाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जिन लोगों ने री रजिस्ट्रेशन किया नहीं, उन लोगों ने जल्दी री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक नया पोर्टल की OMT ID और पासपोर्ट मिलेगा, तभी आप नए पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें बता रहा है, इम्पोर्टेंट बता रहा है कि नए पोर्टल की रचना जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और इसमें लिखा है कि आप कृपया डिजीमेल और पंजीकृत ईमेल पते पर ध्यान दीजिए, आपको उसी पर OMT ID और पासपोर्ट मिलेगा। और दूसरे दूसरी एक इन्फॉर्मेशन है इसमें कि कृपया आप किसी के साथ आपकी डिजीमेल का पासपोर्ट शेयर ना करें, CSC का OMT ID और पासपोर्ट शेयर ना करें, ऐसी इसमें नोटिफिकेशन है। और ये 3 नंबर में है कि VLE केवल सरकारी संचार पर भरोसा करें, सभी सरकार के योजना पर भरोसा करें, किसी और की ऐसी किसी पे भरोसा ना करें। और ये भी बता रहा है कि ये इसकी OMT ID और पासपोर्ट सभी फ्री में मिलता है, इसको किसी को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं, ना पैसा देने की ज़रूरत है। और इसमें नीचे बता रहा है कि VLE सीक्रेट डिवाइजेड नॉट टू शेयर एनी काइंडली ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया। तो ये बता रहा है कि आप किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर ना कीजिए, फेसबुक पर शेयर ना कीजिए, और किसी और को आपका OMT ID और पासपोर्ट ना बताइए। और एक बार दोस्तों, एक बात है कि जिस VLE ने नया रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने 2 महीने हो गए नया रजिस्ट्रेशन किया है, अभी तक उनको OMT ID और पासपोर्ट मिला नहीं, तो उनको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा नए नए पोर्टल पे लॉगिन होने वाले हैं, उनको नए पोर्टल की OMT ID और पासपोर्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और आपको एक बात ध्यान में रखिए कि डिजीमेल का पासपोर्ट मिल गया समझो, तो आपको OMT ID ज़रूर मिलने वाली है, इसी OMT ज़रूर मिलेंगी, इसीलिए तो आपको डिजीमेल का पासपोर्ट और ID बताने वाली है। तो इस पर अभी काम चल रहा है, तो आप उस कुछ देर वेट कीजिए, 50 दिन का वेट कीजिए। सो इसमें लगभग 60 से 90 दिन लगते हैं नए OMT ID मिलने के लिए, और इसीलिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको सीधा नए पोर्टल पे लेके जाने वाले हैं, आपको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।